दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच गंवाने के बाद आज भारतीय टीम से काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम धमाकेदार प्रदर्शन करेगी, लेकिन मैच में भारतीय टीम की स्थिति शुरू से ही लड़खड़ाती हुई नजर आई। ईशान किशन, लोकेश राहुल और रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली, सबने भारतीय प्रशंसकों को काफी ज्यादा निराश किया। जडेजा ने भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा नॉट आउट 26 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया 20 ओवर में 7 विकेट खोकर महज 110 रन ही बना सकी और एक बार फिर से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने खुद को काफी ज्यादा बेहतर साबित किया, खास करके ट्रेंट बोल्ट ने। उन्होंने बेहद ही शानदार गेंदबाजी करते हुए शानदार 3 विकेट चटकाए। न्यूजीलैंड ने लक्ष्य को बहुत ही आसानी से हासिल कर लिया। भारतीय टीम 2 मैचों में 2 हार के बाद अब अपने ग्रुप में सबसे निचले स्थान पे है पॉइंट्स टेबल में। न्यूजीलैंड की धमाकेदार जीत के बाद अब भारतीय टीम का विश्व कप से बाहर होने का रास्ता साफ नजर आ रहा है, जबकि न्यूजीलैंड के लिए अब ये जीत जो है वो बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होने वाली इस विश्व कप में। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना और चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ एंड आई लव यू ऑल।